सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से हो गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं 25 दिसंबर आने वाला गाइस, तो मैं आप लोग के लिए एडवांस में हैप्पी क्रिसमस बोल दे रहा हूँ गाइस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का मैंने फोटो को एडिट किया है क्रिसमस का गाइस। अगर आप लोग भी क्रिसमस का फोटो एडिट करना चाहते हैं तो आप लोग कैसे कर सकते हैं, आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आप लोग को प्रॉपर समझ में आएगा। आप लोग नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट में आप लोग हैप्पी क्रिसमस आप लोग को लिख देना गाइस। तो आप लोग जाइए फटाफट से कमेंट करिए और हैप्पी क्रिसमस लिखे गाइस। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को यहाँ पर फोटो रूम एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना होगा। तो मैं फटाफट से फोटो रूम एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ। जैसे कि आप लोग फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा गाइस। अपने नेट को भी ऑन कर लेना होगा। मैं फटाफट से अपने नेट को ऑन कर ले रहा हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ और इस पर टाइप कर दे रहा हूँ। जैसे इस पर टाइप करेंगे गाइस तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। सिंपल से आप लोग को स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से अपने फोटो को चूज कर लेना होगा। मैं फटाफट से अपने फोटो को चूज कर ले रहा हूँ गाइस। सो गाइस, मेरा कुछ इस टाइप का फोटो रहेगा। सो मैं पहले से ऑलरेडी फोटो को एडिट कर लिया था गाइस। आप लोग भी अपने फोटो को कुछ इस टाइप का एडिट कर लेना होगा। सो आप लोग को अगर एडिट करना नहीं आता गाइस तो मेरे चैनल पे आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके फोटो को एडिट करना सीख जाएंगे। सो सिंपल से आप लोग क्या करना, आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। आप लोग देखते हैं यहाँ पर टेम्पर वाला ऑप्शन शो हो रहा है गाइस। आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा और आपका बैकग्राउंड जो भी है यहाँ पर मॉडल के साथ इरेज हो जाएगा। सिंपल से आप लोग क्या करना, इस तीर वाले निशान पर क्लिक कर देना गाइस। यहाँ पर जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को इस पर क्लिक करके फोटो को यहाँ पर सेव कर लेना होगा गैलरी में। इतना कर लेने के बाद सिंपल से क्या करना होगा, फटाफट से आ जाना होगा होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लेना होगा। जैसे कि आप लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना, आप लोग को ये बैकग्राउंड का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग जो भी मैं बैकग्राउंड यूज करूंगा गाइस आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाके इजिली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल से आप लोग ये वाला बैकग्राउंड को चूज कर लेना होगा और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टूल्स का ऑप्शन हो रहा है गाइस, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना हो, यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन हो रहा है गाइस। आप लोग देख सकते हैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर अपने फोटो का साइज यहाँ पर चूज कर लेना गाइस। यहाँ पर जो भी पोस्ट वाला दिख रहा है साइज गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साइज, आप लोग को इस पोस्ट वाले साइज पे आप लोग को क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट वाला ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पोस्ट पे हो जाएगा। इतना करने के बाद सिंपल इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद सिंपल से आप लोग कुछ नहीं करना होगा, ऐड फोटो में आना होगा। ऐड फोटो में आने के बाद जो भी आप लोगों ने बैकग्राउंड को इरेज किया मॉडल का फोटो ले लेगा इस, जो भी आप लोग यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं यानी अपना फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। अपने फोटो को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पर अच्छे से इसको एडजस्ट कर देंगे। इतना करने के बाद फिर से चले जाना होगा आप लोग को ऐड फोटो में। तो मैं फटाफट से ऐड फोटो में चला जा रहा हूँ इस। जैसे कि ऐड फोटो में जाएंगे तो यहाँ पर ये वाली सारी पीएनजी लेगा इस, तो ये सारी पीएनजी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग जाके इजिली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको छोटा करके इसको अच्छे से एडजस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ से आप लोग इरेजर वाला ऑप्शन पे जाएगा गाइस। यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन हो रहा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसको जूम करके अच्छे से इसको यहाँ पर इरेज कर देंगे ताकि आपका फोटो यहाँ पर रियलिस्टिक लगने लगे। इतना करने के बाद इसको सिंपल से डन कर देंगे और सिंपल से खाली पीएनजी गाइस आप लोग को यहाँ पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना होगा गाइस। अपने मॉडल के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से एडजस्ट कर दे रहा हूँ गाइस। और इसका जो भी लोगो है गाइस आप लोग यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ से फटाफट से इसको लोगो को भी रिमूव कर दे रहा हूँ गाइस और यहाँ पर हल्का हल्का इसको रिमूव कर देंगे ताकि आप। सो गाइस, इतना हो जाने के बाद सिंपल से आप लोग कुछ नहीं करना होगा, सिंपल से फिर से जाना होगा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद मैं गाइस आप लोग को एक पीएनजी दे दूंगा गाइस। आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक शेडो को पीएनजी दे दूंगा आप लोग को लिंक में। तो आप लोग को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर कर लेंगे मॉडल के अकॉर्डिंग ताकि आपका फोटो यहाँ पर रियलिस्टिक लगे, फेक ना लगे देखने में। इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से इसको सेट कर देंगे और इसकी ओपेसिटी को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं गाइस। आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो एकदम रियलिस्टिक लगने लगा देखने में गाइस। इतना करने के बाद सिंपल इसको डन कर देना होगा। देखना है क्रिसमस ट्री, तो मैं फटाफट से क्रिसमस ट्री का आप लोग को यहाँ पर पीएनजी दे दूंगा गाइस। आप लोग देख सकते हैं ये वाला पीएनजी आप लोग ले लेंगे। इतना लेने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। मैं फटाफट से इसको अच्छे से एडजस्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको डन कर देना होगा। इतना करने के बाद सिंपल अपने फोटो को यहाँ पर शेयर कर लेना होगा। मैं फटाफट से अपने फोटो को शेयर कर ले रहा हूँ गाइस रैमनी एप्लीकेशन में। क्लिक करके इसको रैमनी एप्लीकेशन में एंटर कर देंगे एचडी के लिए, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो फटाफट में एंटर हो चुका है और यहाँ पर अप्लाई के लिए एचडी के लिए अप्लाई कर देंगे गाइस। आप लोग को कुछ नहीं करना होगा, आप लोग को थोड़ा सा ऐड को वॉच कर लेना होगा। मैं फटाफट से ऐड को वॉच कर ले रहा हूँ। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे कैंसिल वाले ऑप्शन पे। मैं फटाफट से कैंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे रहा हूँ
और आप लोग को फोटो दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस टाइप का मेरा फोटो बन के रेडी हो चुका है गाइस। आप लोग देखते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बिफोर आफ्टर कितने अच्छे तरीके से मेरा फोटो बन के रेडी हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।